गुड मॉर्निंग आज एक छोटा सा अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं पर ये जो अमेंडमेंट है ये छोटा भले ही है ये पर डिफिकल्ट अमेंडमेंट है कई जन को घर में पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज वाई एम डिस्कसिंग दिस ऑन द वीडियो गवर्नमेंट कंपनी इन कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन देर इज अ डेफिनेशन सेक्शन नंबर टू क्लास फोर्टी फाइव ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जो कि बोर्ड पे तुमको दिखाई दे रहा होगा नाव ऑल दी अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी हुए हैं उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी uh, वो लिंक दिया हुआ है मैं फिलहाल अभी सिर्फ मेरा एक ही फोकस है गवर्नमेंट कंपनी का ये अमेंडमेंट डिस्कस करना तो मैं अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा आई शो यू एन इलस्ट्रेशन ऑल्सो ठीक है और ये जो नोट्स आप देख रहे हो इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बिकॉज uh, नोट्स तुम्हारे काम आ सकते हैं इसके इलस्ट्रेशन वाले ओके नाउ प्लीज लिसन टू मी दिस डेफिनेशन इट्स अ डेफिनेशनल अमेंडमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी सो इट इज रेलिवेंट फॉर इंटर स्टूडेंट एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट हाउ एवर इट इज मोर रेलिवेंट फॉर इंटर स्टूडेंट बिकॉज इफ द इंस्टीट्यूट डिसाइड्स टू सेट अ क्वेश्चन ऑन द डेफिनेशन इट्स एल्फ ऑफ गवर्नमेंट कंपनी देन द चांसेज आर कि वो इंटर में आएगा राधर देन फाइनल में आएगा ओके फिर जो भी है ये अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं ओके ना सबसे पहले लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन टू क्लास फोर्टी फाइव गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी मीन्स देर आर टू पॉइंट्स ओके अच्छा आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग हर जगह जहाँ पे भी वन दो बुलेट्स दिखे और बीच में एंड वगैरह दिखे तो डोंट जंप टू द कॉन्क्लूजन ओके दीज टू पॉइंट देट यू आर लुकिंग एट दे आर नॉट कंडीशंस दे आर नॉट कंडीशंस दे आर द डेफिनेशंस मतलब दिस इज लेट से जीवन एंड दिस इज जी टू दे हैव गि एस टू डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कि गवर्नमेंट कंपनी ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है जी टू जैसा भी हो सकता है डोंट थिंक दैट दे आर टू कंडीशन क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीच में देखा कि यहां एंड लिखा हुआ है आप देख रहे हो उधर कोना में देखो प्लीज सर्कल किया मैंने वन टू के बीच में एंड दिख रहा है तो स्टूडेंट को ये लग रहा है कि अच्छा फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन नहीं दिस इज नॉट कंडीशन कि बीच में एंड को वैसे सोचो ये वो चीज़ है ही नहीं सिंपल आप समझो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन द डेफिनेशन जी वन और जी टू ठीक है मैंने बगल में तुम्हारे लिए लिख दिया रीड और ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं आए ये क्लियर है अच्छा अमेंडमेंट ये नीचे वाले पोर्शन में आया जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो नीचे ये दिस हैज़ बीन एडेड दिस इज द अमेंडमेंट ये एड हुआ है नया तो ये क्या है नहीं है वो समझेंगे लेकिन उसके पहले ऊपर वाला एक बार समझ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन एनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन देयर ऑफ ये है और एक दूसरा डेफिनेशन है अ कंपनी विच इज अ सब्सिडेरी ऑफ जीवन इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी तो ये इस तरह से डेफिनेशन वगैरह डाल दिया गया नाउ अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जनरली पेड अप शेयर कैपिटल जो ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हुआ है ना प्लीज फोकस ऑन दैट उसका मतलब हम लोग क्या सोचते हैं उसका मतलब हम लोग यही तो सोचते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ नथिंग इज मैंशन यू ऑलवेज अज्यूम दैट द पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस दैट द कॉमन सेंस अज्शन तो अभी इन्होंने एक अजीब बात बोली इन्होंने बोला कि मान लीजिए इफ योर कंपनी हैज इशूड डिफरेंशियल शेयर्स डिफरेंशियल uh, शेयर्स के ऊपर एक सेक्शन होता है फोर्टी थ्री इनफैक्ट सेक्शन फोर्टी थ्री इज द मास्टर सेक्शन ऑन शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस और ये क्या नाम है ये डिफरेंशियल शेयर्स का डिस्कशन है और डिफरेंशियल शेयर्स में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं ट्वेंटी सिक्स परसेंट का सेवेंटी फोरसेंट ऑल दैट आई हैव डिस्कस वो अमेंडमेंट वीडियो में जा भी चुका है ये अमेंडमेंट वीडियो और उसके नोट्स भी सब डाले जा चुके हैं वो आप वहाँ से खड़ो तो अभी इन्होंने स्टोरी में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया दे सेट दैट अगर आपकी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग शेयर इशू किया है ठीक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर मतलब डिफरेंशियल इक्विटी शेयर तब आप ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल के बजाय टोटल वोटिंग पावर देखना तब आप पेड अप शेयर कैपिटल मत देखना तब आप क्या देखना टोटल वोटिंग पावर अब इन्होंने जब ये अमेंडमेंट डाला होगा इनका इरादा मतलब इंटेंशन वॉज गुड ओनली ठीक है क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स की वैल्यू अलग होती है और उनकी वोट्स कम होते हैं जनरली स्पीकिंग बट इन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया दे ओवर लूड द फैक्ट दैट शेयर कैपिटल ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच डज नॉट हैव वोट्स तो इससे क्या होगा एकदम एक वियर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा अभी कैसे हो जाएगा आप देखो पहले तो अमेंडमेंट की लैंग्वेज को आप समझ लो ये जो एक्सप्लानशन है यू विल अप्लाई दिस एक्सप्लेशन ओनली एंड ओनली इफ द कंपनी हैज इशुड डिफरेंशियल इक्विटी शेयर फ अ कंपनी हैज नॉट इशूड डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स तब आप एक्सप्लेशन अप्लाई नहीं करोगे तब ऊपर जो डेफिनेशन में लिखा वही अप्लाई करेगा ठीक है ओके अब देखो इधर लेट मी शो यू फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज ठीक है वो रेड कलर में आपको दिखा रहे क्या लिखा है केस वन कंपनी डज नॉट हैव डिफरेंशियल शेयर्स तो अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स नहीं है तो जो एक्सप्लेशन है वो अप्लाई नहीं करेगा ठीक है अब डेटा इज समवॉट लाइक दिस कंपनी हैज़ गॉट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स ठीक है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है दस रुपया और एक शेयर के ऊपर एक वोट वन शेयर वन वोट कंपनी में डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स भी हैं ठीक है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू भी दस रुपये और डिफरेंशियल शेयर्स में वोटिंग पावर कम है मतलब टेन शेयर्स पर वन वोट दस शेयर पर एक वोट है सर तो इस जीरो पॉइंट वन वोटिंग पावर और फिर उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ठीक है ये नाउ व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन ग्रेटर टू फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसजी एटसेट्रा तो हमें फिफ्टी वन परसेंट किस चीज का निकालना है पेड अप शेयर कैपिटल तो केस वन में वी हैव टू चेक ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल केस वन में केस वन यानी कि कंपनी में डिफरेंशियल डिफ्रेंशियेस तो है नहीं तो एक्सप्लेनेशन अप्लाई नहीं होगा तो वी हैव टू चेक वॉट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो अब उसमें क्या क्या आएगा पेड अप शेयर कैपिटल बोला है तो हमें वोटिंग पावर तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं तो वोटिंग पावर वाला कार्ड दो वो हमें चाहिए ही नहीं हमें तो देखना है फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो पेड अप शेयर कैपिटल में सर क्या क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल दो सौ लाख रुपए रुपीज टू हंड्रेड लैक्स डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स जीरो बिकॉज कम ये जो एग्जाम्पल है केस केन इसमें तो कंपनी ने डिफरेंशियल शेयर इशू किया ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स दो सौ लाख तो टोटल पेड शेयर कैपिटल चार सौ लाख तो हमें यहां पर इसका फिफ्टी वन परसेंट चेक करना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर किसी भी कॉम्बिनेशन में इस कंपनी में चार सौ लाख का फिफ्टी वन परसेंट जितना होल्ड करते हैं देन इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी ये हुआ नॉर्मल जो आज तक हम लोग पढ़ते आए सीखते आए ठीक है ना हटा दू अभी ये ओके तो अब मूव टू द केस केस क्या है देखो तो पढ़ो कंपनी हैज डिफरेंशियल शेयर्स अगर कंपनी के पास डिफरेंशियल शेयर्स हैं ठीक है ठेके? आपको दिख रहा होगा ना लिखा हुआ ब्लू में सिर्फ ब्लू पढ़ो प्लीज ब्लू में क्या लिखा है देखो आप

तो अब टोटल वोटिंग पावर होने की वजह से प्रेफरेंस शेयर्स तो आएंगे नहीं प्रेफरेंस शेयर तो आएंगे नहीं तो अब क्या क्या लेना है हम लोगों को ठीक है देखो ये सबसे पहले आप देखो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल में, में मेरा हाथ पर आपको दिख रहा है वही ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर दो लाख रुपये के हैं दो लाख रुपया है और एक शेयर का टेन फेस वैल्यू है तो नंबर ऑफ ऑर्डनरी शेयर कितने हुए ट्वेंटी लैक्स 20 लाख इंटू टेन रुपीज़ टू हंड्रेड लैक्स तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डनरी शेयर कितने हुए ट्वेंटी लैख शेयर ट्वेंटी लैख शेयर अच्छा ये ऑर्डनरी शेयर में एक शेयर पे एक वोट होता है तो ट्वेंटी लैख शेयर मीन ट्वेंटी लैख वोट्स तो ये रहा ट्वेंटी लैख ,00 वोट्स उधर ट्वेंटी लैख वोट्स ये रहा ठीक है ये हुआ एक नेक्स्ट फिर इक्विटी शेयर डिफरेंशियल इसमें उस केस टू में कितना लिया हम लोगों ने सौ लाख ये देखो जरा सौ लाख मतलब आपके पास सौ लाख रुपए का डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स है और एक एक की फेस वैल्यू है दस रुपए तो यानी कि यू हैव टेन लाख डिफरेंशियल शेयर्स ऑफ टेन रुपीज हंड्रेड लाख रुपीज ठीक है ना आपके पास दस लाख डिफरेंशियल शेयर्स हैं एक एक का फेस वैल्यू दस रुपया तो सौ लाख रुपया ये रहा सौ लाख रुपया ग्री, ग्रीन ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है अच्छा अब इसमें वोट्स कितने होंगे दस लाख डिफरेंशियल शेयर्स हैं इधर आप इक्वेशन में देखो लिखा हुआ है दस शेयर पर एक वोट तो दस लाख शेयर पे वोट कितना होगा एक लाख वोट ये कैलकुलेशन क्लियर है ना मैंने सौ लाख रुपए का डिफरेंशियल शेयर्स लिया है एक शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आर टेन लाख टेन लाख शेयर्स पे वोट्स कितने पड़ेंगे क्योंकि यहां वोटिंग पावर कम है दस शेयर पे एक वोट तो एक लाख वोट तो टोटल वोट्स कितने होंगे 21 लाख ,00 वोट्स अब ऐसी कंपनी में हमें लेना है इसका 51 परसेंट प्रेफरेंस शेयर यानी आएगा क्योंकि हमें बोला गया कि आप पेड़प शेयर क्या आप लो मत लो आप लो टोटल वोटिंग पावर और प्रेफरेंशियल शेयर्स में तो वोटिंग पावर कितना होता है जीरो तो वो तो आएगा नहीं तो इस बार हमें ये देखना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर किसी भी कॉम्बिनेशन में 21 लाख वोट का इक्यावन परसेंट या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं देन इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी तो ये थोड़ा सा वियर्ड केस है ठीक है नॉर्मली क्या होता है अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज में डिफरेंशियल शेयर होते नहीं है तब तो वहां पर केस वन ही लगेगा तब वहां पे आपको लेना है फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पी यू एस सी पेडअप शेयर कैपिटल ठीक है और पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस ऑर्डनरी डिफरेंशियल सभी आते हैं ओके यहाँ पे आपको लेना चाहिए फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल जिसमें सब आएगा ऑर्डनरी इक्विटी डिफरेंशियल सब कुछ डिफरेंशियल तो होना नहीं चाहिए तभी केस वन है और अगर आपकी कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं तब आपको फिफ्टी वन परसेंट ऑफ वोटिंग पावर लेना पड़ेगा कैपिटल नहीं वोटिंग पावर तो वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर का जीरो होता है अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे प्रेफरेंस डिविडेंड टाइमली पेमेंट कर रहे हो वगैरह तब प्रेफरेंस शेयर पे वोटिंग पावर जीरो होता है तो उस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल वालों का जो वोट्स है वो आप ऐड कर लो वोट्स कैसे निकाला जाता है वो कैलकुलेशन मैंने शो किया तो वोट्स निकालो ऐड करो और उसका फिफ्टी ले लो अगर उतना होल्ड कर रहा है देन इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी ओके सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो ये नोट्स मेरे डाले हुए वे, वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाए सॉरी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप इसको यूज़ करके इसको वो थ्रू कर सकते हो ठीक है देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़ इन इंडिया स्टिल और ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट कंपनीज़ टोटली बंद हो जाएंगी या प्राइवेटाइज हो जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे प्राइवेटाइजन कर रहा है बट ऐसा नहीं होगा कि जीरो गवर्नमेंट कंपनीज़ होगा जितने भी बड़े देश हैं उसमें आप देख सकते हो कि हर एक में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ रहती हैं और आज हिंदुस्तान में भी देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया विच आर गुड गुड गवर्नमेंट कंपनीज खाली मतलब बर्बाद वाले का एग्जाम्पल नहीं अच्छे गवर्नमेंट कंपनीज भी बहुत सारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है थैंक यू